कैसे आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। तो फिर ये देखिए गाइस, पीछे शहीद पद भी है मेरे। सही से दिख नहीं रहा होगा तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ शहीद पद कैसा है। दोस्तों मैं अभी यहाँ पे अंसल पे अपने पापा के साथ आया हूँ। यहाँ पर मेरे पापा भी यहीं पर हैं और अभी सुबह के कुछ बज रहे हैं 7। और यहाँ मेरे पापा, और अभी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी चल रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ और गाड़ियाँ भी बहुत सारी यहाँ पे जा रही है। अभी यहाँ पे बहुत ही कम गाड़ी जा रही, बहुत ही ज़्यादा कम। शाम को यहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ी आने लगती है और बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ हो जाती है। अभी सुबह जितना साइकिलिंग करना है कर लो, लेकिन शाम को क्या बोलते हैं बच्चे ऐसा साइकिलिंग कम ही करें क्योंकि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वहाँ पर। गाइस ये देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है सुबह सुबह, एकदम साफ मौसम, अच्छा मौसम लग रहा है, ना ही ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है। यहाँ पर कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी बिल्डिंग बन भी रही है। तो गाइस ये वाली बिल्डिंग है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। तो गाइस यहाँ से LDA कॉलोनी का जाने का रास्ता है। अंदर आगे देखिए कितने सारे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, तो वहीं पे जाने का रास्ता है। गाइस अभी सुबह टहलने में अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो अभी मेरे पापा वैसे ठीक बताना हो तो बता दे रहा हूँ, उनका एक्सीडेंट हुआ था तो 6 महीने पहले, तो उनको उस टाइम बहुत चोट लगी थी। तो अभी वो सही से दौड़ नहीं पाते, तो फिर अभी हम लोग रनिंग नहीं कर पा रहे, वरना हम लोग रनिंग करने जाते थे वैसे छुट्टियों के टाइम पे। और अभी का मौसम इतना अच्छा लगता है ऐसे सुबह सुबह, यहाँ इतनी ग्रीनरी है तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन भी पूरी मात्रा में है, वैसे माहौल में बहुत अच्छा लगता है ब्रीथ। गाड़ियों का आना धीरे धीरे तेज होते जा रहा है, गाड़ी और बढ़ती जा रही है, रोड पे कार्स वगैरह हैं, ट्रक से डंपर सब ज़्यादा आने जा रही है। बस ऊपर देखिए शहीद पथ पे, वहाँ पे भी एक साथ बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है और यहाँ पे भी बहुत सारी अभी गाड़ियाँ निकल रही हैं। अब जैसे जैसे थोड़ा धूप निकल रहा है वैसे वैसे लोग और बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे। तो गाइस ये देखिए हमारे सामने है शहीद पथ, ये सामने से पूरा पेंट भी कर रखा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और अंदर से रास्ता भी है। यहाँ पे अभी आवाज़ सिलग्राम आ चुका है। और ये देखिए गाइस यहाँ पे कितना बड़ा है। यहाँ पे मेरे को याद है 3-4 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया था, तब एक बार लखनऊ महोत्सव में भी यहाँ पे आया था मैं, तो गाइस बहुत मज़ा आया था यहाँ पर। और अभी यहाँ पर कोई फेस्टिवल भी लगा। अभी यहाँ बाहर से दिखा रहा हूँ मैं आवाज़ सिलग्राम को, तो यहाँ भैया लोग अभी बैठ के फुटबॉल खेल रहे हैं, उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं फुटबॉल खेलने के लिए। तो हम लोग अभी काफ़ी आगे तक आ चुके हैं टहलते टहलते ही, और थोड़े देर में हम लोग शायद ई रिक्शा करके वापस चल जाएंगे, क्योंकि अगर पैदल जाएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। अभी ज़्यादा आगे आ चुके हम लोग। गाइस हम लोग को बहुत दिक्कत हुई थी यहाँ पर आने के लिए, तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो फिर लाइक सब्सक्राइब पक्का करिएगा। सब्सक्राइब सब लोग नहीं करते तो देखते हैं, तो प्लीज़ कम से कम जो देखते हैं उसमें 90% सब्सक्राइब तो कर दीजिए। 15 मिनट के बाद आखिरकार हम लोग पहुँच चुके हैं उतरटिया स्टेशन पे। बहुत देर से हम लोग चले जा रहे हैं, आखिर में पहुँचे हैं। और अभी यहाँ दो ट्रेन रुकी हुई है, शायद एक खाली है, ये वाली दूसरी वाली एक ट्रेन है मेरे पीछे यहाँ पर, ये वाली ट्रेन एक है और अभी नहीं है, अभी एक मालगाड़ी रुकी हुई निकल ली है। तो फिर क्या सब हम लोग यहाँ से निकलने वाले थोड़ी देर में। तो दोस्तों हम लोग काफ़ी देर से यहाँ बैठे हुए हैं, तो आखिर में एक ट्रेन आई है। पहले भी एक आई थी, वो बहुत फास्ट थी, मैं यूट्यूब देख रहा था तो इतना टाइम नहीं मिला तुरंत उसको हटा के वीडियो बनाने का। अभी सामने से भी एक ट्रेन आ रही है, एक ट्रेन आ रही है, रुकी मैं आपको दिखा। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से निकलते हुए, धूप भी होने लगी है, अब घर पर मम्मी वेट कर रही होगी, तो फिर अब मैं यहाँ से निकल रहे हैं हम लोग। तो गाइस टहलते टहलते बहुत लेट हो चुका है, करीब 8:30 बज गया और हमको घर पहुँचने में भी बहुत लेट हो जाएगा तब। तो गाइस अभी हम लोग घर आ चुके हैं, देखिए कि अब यहाँ पे काम लगना शुरू भी हो चुका है, बहुत हद तक यहाँ काम हो चुका है, सामने लगा है घर, रुकिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ। गाइस सामने काम हो रहा है, किसी ने लगता है यहाँ पे ज़मीन खरीदी है। तो गाइस वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो बताइएगा कमेंट में। और ट्रेन वाली वीडियो तो मैंने वैसे बोला था शॉर्ट्स में डाल चुका हूँ, तो देख लीजिएगा, ठीक है? तो बाय बाय।